लेकिन बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जैसलमेर के रामगढ़ में चल रही धूल भरी आंधी से आम जनजीवन काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आंधी के चलते घरों में रेत की मोटी परतें जम जाती है। आंधी के कारण नहरी क्षेत्र में काटकर रखी फसलें भी उड़ी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। झालावाड़ के मनोर थाना में 9 दिवसीय रामकथा का समापन हुआ, जहां कथावाचक कोकिल पुष्प ने रामायण का महत्व भक्तों को बताया। चूरू के छापर में दलित दूल्हे की निकासी में मारपीट की गई, मारपीट में 10 लोग घायल हो गए हैं, 3 गंभीर घायलों को सुजानगढ़ रेफर किया गया। चूरू के रतनगढ़ में नव स्वीकृत शराब की दुकान बंद करने की मांग की गई, वार्ड के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया। चूरू के सालासर में निकटवर्ती गांव शोभासर के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापकों की 2 दिवसीय वाकपीट कार्यक्रम आयोजित किया गया, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने शुभारंभ किया। जालौर के भीममाल में श्री राम जन्म महोत्सव को रामनवमी पर्व पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, फाफरिया हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, जहाँ भगवान राम के जयकारे के साथ जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालौर के रानीवाड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आदरवाड़ा में 200 वर्ष पुराने एक विशाल वट वृक्ष पर लगभग 40 से 50 मधुमक्खियों के छत्ते हैं, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों को परेशानी होती है। चूरू के रतनगढ़ में नहरे के अंदर पड़े कचरे में लगी आग में आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना चूरू रोड पर परशुराम अतिथि भवन के पास की है। पाली के सुमेरपुर में व्यापार संघ द्वारा 1 दिवसीय महाराजा उमेद सिंह कृषि उपज मंडी बंद रखकर 13 दिन पूर्व चना की 321 बोरियों का ट्रक दिल्ली के समीप गायब होने की घटना को लेकर विरोध जताया गया। सुमेरपुर से डिलीवरी के लिए रवाना होने के पश्चात डिलीवरी नहीं होने की जांच करने पर ट्रक मालिक ड्राइवर द्वारा माल बेच देने की जानकारी लगी थी, परंतु आज तक माल की बरामदगी नहीं होने से व्यापारियों ने विरोध जताया है। जयपुर के सांभर लेक में नावा व नरेना रोड स्थित राजमार्ग पर शराब की दुकान के लगे बोर्ड को आबकारी पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी बोर्ड को तुरंत हटाने की कार्यवाही की गई। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर पूर्व में शराब के ठेकेदार के द्वारा शराब की दुकान के बोर्ड लगाए गए थे। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्रय विक्रय समिति पर एसीबी ने शिकंजा कसा, जिस पर एसीबी ने समिति के 4 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ रायपुर मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी, मामला सरकारी राशि के गबन का था। टोंक के मालपुरा बैंकों में ठगी और लूट का सिलसिला जारी है। मालपुरा में नोट गिनने के बहाने 42,000 रुपए लूट का मामला सामने आया। घटना बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जहां किसान ने क्रेडिट कार्ड से रुपए निकलवाए थे। टोंक के देवली में गौरवपति योजना को ग्रहण सा लग गया है, शिलान्यास के 45 दिन बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते नगर पालिका बोर्ड के खिलाफ पार्षदों में रोष है। टोंक के निवाई क्षेत्र में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों से पशुपालक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी बढ़ते ही पशुपालकों की समस्या भी बढ़ जाती है, 1.5 दर्जन पशु डॉक्टर्स के अभाव से पशु चिकित्सालय खुले पड़े रहते हैं। जालौर के आहोर कस्बे में जोधपुर तिराहे के पास निर्माणाधीन सीसी रोड पर रात को बाइक सवार का संतुलन बिगड़ने से मौत हो गई व एक अन्य गंभीर घायल को स्थानीय अस्पताल में रेफर किया गया। करौली के नादोती के गढ़खेरा के पीर बाबा के मंदिर पर नवरात्र समापन पर भंडारा हुआ, जिसमें दूर दराज से आए हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शराब की 2 दुकानों का ही लाइसेंस है, मगर ठेकेदार 3 दुकानों का संचालन कर रहा है व आसपास के गांवों में शराब रख कर बिकवा रहा है। कोटा के इटावा में रामनवमी के पावन पर्व पर कस्बे में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, झरनिया बालाजी से कस्बे के प्रमुख मार्गों से जय श्री राम के जयकारों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भरतपुर के डीग में 8 माह की गर्भवती महिला को जहर खाने से मौत हो गई, मृतक महिला के पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। करौली के सपोटरा में 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप अपहरण कर 2 युवकों ने हवस का शिकार बनाया, नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल में दुष्कर्म किया। हनुमानगढ़ के नोहर में रामनवमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मंगलवार को शोभा यात्रा बाइक रैली निकाली गई। जनरामलीला मैदान से शुरू हुई शोभा यात्रा बाइक रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए जोधाबास स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। सिरोही के माउंट आबू में टीचर द्वारा छात्रा के दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जयपुर से आरोपी टीचर दिनेश गुर्जर को दस्तयाब किया गया, जहां पुलिस उसे लेकर माउंट आबू के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक ने 29 जनवरी को कॉलेज टूर के दौरान छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। झालावाड़ के भवानी मंडी में अदालत से कृषि उपज मंडी तक करीब 7 सालों से डामरीकरण नहीं होने से सड़क मार्ग पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई है। मार्ग पूरी तरह से उखड़ जाने की वजह से वाहन चालकों व राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
झुंझुनू के बुआरा में आईटीबीपी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए झड़पे थे। वहीं सहड़ गांव के सुरेश कुमार ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। अलवर के बानसूर में हरसौरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चोरी की बाइक लेकर जा रहे एक जने को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त किया है। झालावाड़ के अकलेरा में रामनवमी के पर्व पर धार्मिक स्थल कामखेड़ा कस्बे में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में निकाली गई, जहां पर कई दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौर के सांचौर में गांधव बाखासर सड़क पर सांचौर से वेड़िया जा रही एक निजी बस ने एक गाय को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बस को रुकवा कर वहां हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही टक्कर लगने से गाय घायल हो गई। झुंझुनू के बुआना में बचेरी कला गांव में शराब ठेके के विरोध में महिलाएं आक्रोशित हुई। शराब ठेका खोलने पर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कुम्हारों के मोहल्ले में ठेका का निर्माण कार्य हो रहा था। चूरू के सादुलपुर में वाहनों के आग लगाने की घटना का पुलिस न तो अभी तक खुलासा कर पाई है और न ही अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर कर्ण विहार में खड़े एक ट्रक के केबिन में आग लगा दी। एक महीने बाद हुई इस तरह की वारदात के बाद भी वाहन मालिकों की दहशत बढ़ गई है। जालौर के जसंतपुरा क्षेत्र के रामसिंह कस्बे में धड़ल्ले से पॉलिथीन थैलियों का उपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन, ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अजमेर के मसूदा पंचायत समिति के ग्राम कुशलपुरा में एकल विद्यालय एवं नवयुवक मंडल के तत्वाधान में राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान आयोजित शोभा यात्रा में ग्राम की 51 बालिकाओं ने कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए विद्यालय पहुंची। सिरोही के रेवदल डांतराई के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय सत्रांक वाकपीठ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि रेवदल विधायक जगसी राम कोली रहे। चूरू के तारानगर में नगर पालिका एक बार फिर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। पिछले काफी दिनों से वार्ड 19 और 20 में सफाई की कोई नियमित व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते परेशानी हो रही है। अलवर के राजगढ़ में चोरी की बाइक सहित एक जने को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार एक व्यक्ति चोरी की बाइक बेचने की फिराक में था। भरतपुर के रूपवास पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 22 वाहनों के चालान काटे। कार्यवाही के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। जालौर के भीमार शहर में अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध निर्माण को लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन और राजस्व विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिना भू रूपांतरण के निर्माण से पालिका को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागौर के डीडवाना में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राम मंदिरों में भगवान श्री राम का भव्य श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो झालावियां मठ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार और अनेक क्षेत्रों से गुजरती हुई नागौरिया मठ पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान सहित अनेक सजीव झांकियां सजाई गई। इस दौरान सैकड़ों युवक हाथों में भगवा झंडे थामे हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। श्री राम का भव्य श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगर की मुख्य शक्ति पीठ पर आयोजित मेले में मेलार्थियों के लिए राजस्थानी लोक कथा बगड़ावत का मंचन किया गया। बगड़ावत के ख्याल को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उमड़े। वहीं आयोजित ख्याल में लोक कथा की मान में प्रस्तुतियां दी गई। जैसलमेर के पोकरण में अज्ञात बोलेरो गाड़ी ने सड़क पार कर रहे अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर चश्मदीदों के बयानों को लेकर परिजनों को सूचना दी और अज्ञात बोलेरो गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। दौसा के महवा बालाहेड़ी कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा मात्र 10 मिनट ही पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं लोगों ने व्यवस्था नहीं सुधारे जाने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में अवैध मीट की दुकान हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान कस्बे के आम नागरिक सहित कई देश प्रेमी ग्रुप के सदस्य व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाड़मेर के सिवाना पादरू कस्बे में स्थित नारेली माता मंदिर में एक शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजन गायक श्याम पालीवाल ने गणपति वंदना से भजन संध्या का आगाज किया। इससे पहले मंदिर में महाआरती की गई, ध्वजारोहण एवं हवन समेत धार्मिक कार्यक्रम हुए और प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर पादरू सरपंच भोपाल सिंह राठौड़, मालाराम सेन, अमराराम सेन, नीलेश सेन, सुरेश कुमार, केवल चंद, कालूराम, तगाराम, समदड़ी समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। बूंदी के नैनवा में लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। कस्बे के दर्जन उपभोक्ता JVVNL कार्यालय पहुंचे पर मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। टोंक के मालपुरा में एक और सिक्का डिग्गी पुलिस को जमा करवाया गया। यहां अब तक 198 गुप्तकालीन सिक्के जमा हो चुके हैं। मामला मालपुरा क्षेत्र के जानकीपुरा में दबेड़िया नाड़ी से गुप्तकालीन सिक्के मिलने का है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ट्रक चालक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला था। मामला रायला थाना क्षेत्र का है। जयपुर के पावटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 384 देशी शराब के पबों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। जालौर के चीतलवाना मालवाड़ा में दो गुंडों की मारपीट में एक महिला घायल हो गई। जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। चूरू के सुजानगढ़ में दूलिया रोड स्थित भूमाला चौक में नागा बाबा धनराजगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर 8वां भंडारा 8 अप्रैल को लगाया जाएगा। वहीं पुजारी ने बताया कि भाऊजी की ढाणी के काशीनाथ जी महाराज के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम के तहत 7 अप्रैल की रात्रि को जागरण लगाया जाएगा। जयपुर के चौमू में घर घर में की जा रही दुर्गा माता की पूजन का आज विसर्जन किया गया। इस अवसर पर माता पूजन करने के बाद बालिकाओं को खाना खिलाया गया। वहीं कई जगहों पर अखंड रामायण का पाठ भी आयोजित किए गए। आज वहीं नगर के नव माँ दुर्गा मंदिर में माता की झांकी सजाई गई, जिसका हजारों की संख्या में भक्तजनों ने दर्शन कर लाभ उठाया। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। CHC पर रोगियों की भीड़ लगी हुई है। मरीजों के कारण CHC वार्ड फुल हो गए हैं। धौलपुर के बाड़ी चैत्र नवरात्रों के चलते बाड़ी की प्रसिद्ध माता मंदिर श्री राज राजेश्वरी कैला माता मंदिर में इन दिनों भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी के दिन भक्त पूरे भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। दौसा के बांदीकुई में करीब 3 साल से नगर पालिका ने पट्टे जारी नहीं किए हैं। ऐसे में करीब 300 भूखंडों की फाइलें नगर पालिका में दूर भाग रही है, जिसके कारण नगर पालिका के राजस्व को नुकसान हो रहा है। सवाईमाधोपुर के बौली में गेहूं, चना, सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र नहीं खोला गया। ऐसे में किसानों को अपनी फसल कम दामों में व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नागौर के डीडवाना में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राम मंदिरों में भगवान श्री राम का भव्य श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा अनेक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान सहित अनेक सजीव झांकियां सजाई गई। इस दौरान सैकड़ों युवक हाथों में भगवा झंडे थामे हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ट्रक चालक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला था। मामला रायला थाना क्षेत्र का है। करौली के हिंडौन सिटी में एक मकान की छत पर पैराशूट नुमा गुब्बारा एवं डिवाइस लगा हुआ सफेद बॉक्स गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंची और डिवाइस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के लाल रोड में उपखंड मुख्यालय पर मुस्लिम मोहल्ला स्थित मस्जिद की गली में सफाई व्यवस्था चरमरा जाने से गंदगी का ढेर बना हुआ है। हालात यह है कि रोड लाइट्स के अभाव में मस्जिद जाने वाले श्रद्धालुओं को अंधेरे में गंदगी जनित कचरे के बीच होकर आवागमन करना पड़ रहा है। 12 के अंत में अखिल भारतीय मेघवाल युवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष हरीश मेघवाल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। इसमें हेमराज मेघवाल वरखेड़ा को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज मेघवाल आत्माराम मेघवाल ने बताया कि हेमराज मेघवाल की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी। अजमेर के ब्यावर शहर के सुभाष उद्यान स्थित बीचड़ली तालाब में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त गोपाल जी मोहल्ला निवासी ताराचंद पुत्र मूलचंद धौलपुरिया के रूप में हुई। जानकारी मिली है कि शव 2 या 3 दिन पुराना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस ने शव को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ताराचंद लंबे समय से बीमारी से ग्रसित था। क्षेत्रवासियों के अनुसार विगत दिनों से पीलिया हो गया था। उसका इलाज करवाया तो वह ठीक हो गया तथा ठीक होते ही फिर से घर से चला गया।
बारा के अटरू क्षेत्र में प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है, इससे वाहन चालकों को, गायत्री नगर के बाशिंदों को परेशानी हो रही है। एक साल में 300 मीटर लंबी 7 फीट ऊंचाई की सुरक्षा दीवार बनी है। रेलवे प्रशासन की ओर से नए प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा दीवार बना दी गई है और दीवार के पास 8 फीट गहराई की खाई खोदी गई, इससे गायत्री नगर के बाशिंदों का अटरू में आवागमन बंद हो गया है। इसको लेकर गायत्री नगर के लोगों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सीकर के रिंगस में जलदाय विभाग की लापरवाही से रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जहां कस्बे में जगह जगह पानी भर रहा है, जिसके चलते गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होगी, लेकिन जलदाय विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सीकर के लोसल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव को लेकर मंदिरों में कहीं रामायण पाठ तो कहीं हरि नाम संकीर्तन के स्वर गूंजे। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र के मादड़ी चौराहे पर हाईवे से कुछ दूरी पर मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। कल रात घटना के बाद मादड़ी चौराहे फ्लाईओवर के ऊपर मृतक मुकेश सालवी की बाइक और एक चप्पल मिला था। बाइक और शव की दूरी के मामले में संदेह की स्थिति पैदा कर रही है। इसके अलावा बाइक की दुर्घटना के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने देर रात शव को जिला आरके चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया था। आज सुबह ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। इस पर थानाधिकारी और जाप्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश की। इसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस ने परिवार लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।